परदेसी में परदेसी जी रात में रात मेरी झोपड़ी में रहे ऐसे आराम किए हाँ भिखारी और सुबह हुआ तो आप जाने लगे बिल्कुल परदेसी जी जाने से पहले अगर आपके पास कुछ निशानी तो मुझे देकर के जाइए निशानी हाँ परदेसी इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है अगर तुम मेरे मुझसे कुछ निशानी मांग रही हो तो फिलहाल मेरे हाथों में एक मुद्रिका है ठीक है परदेसी ये मुद्रिका तू मेरे तरफ से रख लो ठीक है परदेसी और जा झोपड़ी में जाकर के आराम करो और मैं सामने के रास्ते से अपने राज को चला जाऊंगा प्रणाम परदेसी खुश रहो मैं जा चली जा कर ना सके प्यारी किस्मत स्वामी जी गए हैं जंगल शिकार खेलने के लिए और अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरे स्वामी जी मेरे पास जरूर आ जाए तो मैं ऐसा करती हूँ इस समय मैं अपने स्वामी का इंतजार करती हूँ खुश रहो खुश रहो महारानी लेकिन तू दरबार में आकर के क्या कर रही है स्वामी जी मैं आपका इंतजार कर रही हूँ मेरा इंतजार क्यों महारानी इसलिए कि
जब आप जंगल शिकार के निकले जा रहे थे तो आप मुझसे कुछ वादा करके गए थे कि जंगल से जब शिकार खेल के आप आएंगे तो आप मेरे साथ में सुहागरात मनाएंगे। अच्छा, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पहली बार मिलूंगी ना, सही बात है। चलिए, लेकिन महारानी मेरा प्रतिज्ञा पूरा हो गया और मैं जंगल से शिकार खेल करके वापस आ गया हूँ। चलो हमें ही चल करके आराम करते हैं। तेरी मोहब्बत ने दिल में मचा कर दिया, आज मैं इस जंगल में एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे बहुत जोर से दर्द हो रही है। इस दर्द में मैं इस जंगल में कहाँ जाऊँ, किसे बुलाऊँ, कौन मेरी बात सुने, लेकिन मुझे दर्द से सहा नहीं जा रहा है। अब मैं क्या करूँ? हे परी I'm not afraid of the dark.